पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड यानी कि पीटीसीएल ने पाकिस्तान में टेलीनॉर के 100% शेयर्स खरीदने का ऐलान कर दिया है। पीटीसीएल ग्रुप यूफोन ने 108 अरब रुपए में टेलीनॉर को खरीद लिया है, जबकि कंपनी की खरीदारी का अमल तकरीबन 2024 तक मुकम्मल होगा। पीटीसीएल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर इस हवाले से तस्दीक की है। ईएन के ग्रुप सीईओ हातिम डोविदार का कहना है कि टेलीनॉर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक हुसूल मार्केट के इस्तेहकाम का एक अहम मौका पेश करता है, जो कि हमें पाकिस्तान में अगली नस्ल का बेहतरीन नेटवर्क बनाने के लिए मजीद सरमायाकारी करने के लिए बाख्तियार बनाता है। याद रहे कि ईएन दुनिया के चंद बड़े टेक्नोलॉजी ग्रुप्स में से एक है। टेलीनॉर पाकिस्तान ने कारोबार करने की बढ़ती हुई लागत के दरमियान गुज़श्ता साल से मुल्क छोड़ने का इंदिया दिया था। टेलीनॉर खरीदने के बाद पीटीसीएल अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन जाएगा। टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर नॉर्वे की कंपनी है, जिसने ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान में अपने यूनिट फरोख्त कर रही है। इस नॉर्वेजियन कंपनी की पाकिस्तान के देहाती इलाकों में मोबाइल फोन कॉल और डेटा कवरेज सबसे ज्यादा नुमाया है। कंपनी ने तकरीबन 18 साल पहले पाकिस्तान में अपना बिजनेस शुरू किया था और इसके मुल्क में सार्फीन की तादाद तकरीबन 4.5 करोड़ के लगभग है। ये नॉर्वेजियन ग्रुप एशिया में अपने कारोबार को अब असर नो इस्टेब्लिश कर रहा है और थाईलैंड और मलेशिया में मकामी कंपनियों से कोलैबोरेशन के जरिए बड़े बड़े यूनिट्स बना रहा है। दूसरी जानब टेलीकॉम सेक्टर के एक बड़े इस्तेहकाम में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड यानी कि पीटीसीएल ने टेलीनॉर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के साथ 108 अरब रुपए में 100% शेयर्स के हसूल के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है। पीटीसीएल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अपने नोटिस में इस पेशरफ को शेयर किया, जिसमें मुल्क भर में टेलीनॉर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में रिपोर्ट्स को रोक दिया गया, जो कि गुज़श्ता एक साल से काफी बहस का मौजू भी बन रही थी। टेलीनॉर पाकिस्तान एक मोबाइल ऑपरेटर है, जो कि गुज़श्ता 12 माह LTM सितम्बर 2023 की मालियाती रिपोर्टिंग की बुनियाद पर तकरीबन 112 बिलियन रुपए की आमदनी के साथ तकरीबन 45 मिलियन सार्फीन की खिदमत करता है, जबकि पीटीसीएल के तहत चलने वाली यूफोन कंपनी के सार्फीन की तादाद तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग है। दोनों के कोलैबोरेशन से सार्फीन की तादाद 7 करोड़ से ऊपर हो जाएगी, जो कि जैज मोबाइल फोन कंपनी के बराबर होगी। दूसरी जानब अगर पीटीसीएल की बात की जाए तो पीटीसीएल पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। PTCL के अहम असासों में पाकिस्तान की मारूफ सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर PTML, यूफोन 4G और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड यानी कि यू बैंक शामिल हैं, जो कि माइक्रो फाइनेंस कर्जे और कई डिपॉजिट मसनूआत पेश करता है। पाकिस्तान में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की जानिब से PTCL और टेलीनॉर के इस मुआहदे पर मुख्तलिफ किस्म का रद्द अमल देखने में आया है। पाकिस्तान के निगरान वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस डील को खुशाइन करार दिया है, तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर सार्फीन की जानिब से इस पर मुख्तलिफ तबसरे किए गए हैं और काफ़ी मिला जुला रद्द अमल देखने में आया है। कुछ सार्फीन ने हुकूमती इदारे PTCL की जानिब से इस खरीदारी पर और इसकी सर्विस पर सवाल उठाए हैं, जिसकी वजह यकीनी तौर पर पाकिस्तान में हुकूमती इदारे की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी रही है। टेलीनॉर के सार्फीन में कंपनी के फरोख के बाद कुछ शशोपंच की कैफियत भी पाई जा रही है। सार्फीन में सोशल मीडिया पर यह बहस भी जारी है कि वो अपने अपने इजी पैसा अकाउंट से रकम निकाल लें, क्योंकि टेलीनॉर कंपनी फरोख्त हो चुकी है। यकम जनवरी से 2024 से पहले कोई पैकेज ना करवाएं, ना इजी पैसा अकाउंट में पैसे रखें। ये सार्फीन की जानिब से सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2023 के बाद आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ टेलीनॉर ने अपने इजी पैसा ट्विटर अकाउंट में इन अफवाहों की सख्ती से तरदीद की है। टेलीनॉर इजी पैसा ने अपने ट्वीट में सार्फीन को ये यकीन दहानी करवाई है कि कंपनी की फरोख्त इसके बाकी ऑपरेशंस पर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होगी और इस हवाले से सार्फीन को कतन फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है।